चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस या नो, प्लीज शो अ थम्स अप। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए बढ़िया बात है। दायां बायां, आगे पीछे हम लोग बहुत करते हैं, राइट? यस और नो? सो दिस इज द बेसिक डायरेक्शन मैप। व्हेन वी आर गोइंग टू द टॉप, इट्स नॉर्थ, डाउन में साउथ। कश्मीर कहाँ है? नॉर्दर्न साइड में। नॉर्थ साइड में है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ है वो। और कन्याकुमारी? साउथ, क्योंकि वो मुंबई का है। वेस्टर्न एरिया में सर, वेस्टर्न पार्ट्स में है, क्योंकि लेफ्ट साइड में पड़ता है ना। और कोलकाता का है? ईस्टर्न साइड में। सर नाम तो वेस्ट बंगाल है, बट इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का पार्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का पार्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको इंडिकेटर्स क्लियर है? यस सर। अगर मैं इस तरफ फेस करके रखा हूं तो ये मेरा नॉर्थ है, टुवर्ड्स द राइट मेरा ईस्ट है, लेफ्ट मेरा वेस्ट है, और बैक मेरा साउथ है। अगर मैं ऐसे घूम जाऊंगा तो सामने साउथ होगा, पीछे नॉर्थ होगा, सब उल्टा होगा, लेफ्ट में ईस्ट होगा, राइट में वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, आप लोग यहां से पॉइंटर्स पढ़ेंगे और आपके जो कॉपी है उसमें डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है, यही टास्क है। मूविंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब अगर हमको स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ जाना है, मतलब किस तरफ एरो होना चाहिए, एरो किस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, यस और नो? सेकंड, मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स साउथ, तो सेकंड वाला का डायग्राम क्या बनेगा? अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो दिस इज माय साउथ, हाँ या ना? यस सर। तीसरा वाला क्या बोला है? पढ़ो। मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब मेरे को डायरेक्शन कहां बनाना है, राइट के तरफ, और अगर लेफ्ट बोलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज टॉप, दिस इज डाउन, दिस इज राइट, एंड दिस इज लेफ्ट, यस और नो? यस सर। तो बाकी का भी बनाओ। इसका बनेगा ऐसे, नॉर्थ से राइट ईस्ट, नॉर्थ से लेफ्ट वेस्ट, साउथ से राइट वेस्ट, साउथ से लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट से राइट साउथ, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ,
वेस्ट से राइट, नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट, साउथ। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है सबको? तो ईस्ट से राइट ले रहा है तो क्लॉकवाइज देखो, ईस्ट के बाद क्या आ रहा है? ए बाबू, क्लॉकवाइज ईस्ट के बाद क्या आ रहा है? हेलो, ऐसे बोलने बोलना पड़ेगा, मुंह से बोलो। ईस्ट से क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? साउथ आ रहा है ना। और ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ आ रहा है। तो जब भी राइट बोलेगा ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है आपको। ये वाला पेज क्लियर है सबको? यस, कैन आई सी मोर थम्स अप? वन मोर? ठीक है, चलो। अब पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। दिस वी हैव स्टडीड इन व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम, यस और नो? नेक्स्ट। अब बोल रहा है, अगर आपका फाइनल डायरेक्शन इज अबव द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब आप नॉर्थ के तरफ है, बिलो होगा तो साउथ, राइट होगा तो ईस्ट, लेफ्ट होगा तो वेस्ट। सर, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो आंसर क्या होगा? अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी माय आंसर? यस, आप लोग का माइक्रोफोन काम नहीं करता है? यस, हेलो, तो आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। ऊपर की तरफ है और राइट में भी है, टॉप राइट, मतलब नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़े। चलिए, पहला सम बोल रहा है, एल इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब एल ऊपर की तरफ जा रहा है पहले, फिर वहां से राइट ले रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ का राइट मतलब ईस्ट, फिर वापस राइट ले रहा है मतलब साउथ, फिर वापस राइट ले रहा है मतलब वेस्ट। तो उसका फेस किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ।
एल इज फेसिंग वेस्ट, एल इज फेसिंग वेस्ट। पहला वाला पार्ट क्लियर है? यस। सेकेंड, एम गया नॉर्थ की तरफ, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, वापस राइट ले लिया, मतलब एम इज फेसिंग नॉर्थ। हाँ या ना? सिमिलरली यहां पर एक राइट और है, लेफ्ट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। चलिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यहां तक कंप्लीट करिए। टेक 2 मिनट्स। पीडीएफ सबके पास है? यस और नो? पीडीएफ है सबके पास? फाइन, टेक 3-4 मिनट्स एंड कंप्लीट टिल पार्ट 13 आराम से। अगर कोई भी केस में प्रॉब्लम है तो पूछिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पर भी आप खड़े हैं, राइट मतलब आप क्लॉकवाइज चेक करोगे, और अगर आप लेफ्ट ले रहे हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज चेक करोगे। हर सम को शुरू करने से पहले ऐसा बना लेंगे हम लोग, ताकि मेरे को राइट लेफ्ट में प्रॉब्लम नहीं हो। क्लॉकवाइज मतलब ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये होता है। घड़ी देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा लिख दिया शायद मैं। ये वाला गलत लिखा मैं। दिस विल बी दिस एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स। जब भी हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस करेंगे, जब भी हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस करेंगे, इसका मतलब सर अगर 4 किलोमीटर बोला है और 2 किलोमीटर बोला है, तो मेक श्योर कि ये 4 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है। डू नॉट मेक सेम यूनिट्स ऑफ लाइंस, वरना आंसर गलत आ सकता है। यू शुड नॉट मेक सेम यूनिट्स ऑफ लाइंस, वरना आंसर गलत आ सकता है। हम लोग जो लाइन बनाएंगे वो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बनाएंगे। जहां पर डिस्टेंस इज इक्वल वहां इश्यू नहीं है। वेयर द डिस्टेंस इज इक्वल देयर विल बी नो इश्यू। मैंने एकदम फर्स्ट क्लास में भी बताया था आपको कि हम लोग को लैंग्वेज और ऑर्डर जो भी स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे
इसको अच्छे से इंटरप्रेट करना है अपने को। चार बज के 25 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा आपको। आपको ये 13 एग्जाम्पल्स को विद डायग्राम कंप्लीट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, डायग्राम बना के करिए। एंड जिस तरफ एरो रहेगा, दैट इज द फेस। जो भी सम आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें पहले ऐसे आप बनाएंगे। बनाने के बाद अकॉर्डिंगली आपका डायग्राम बनेगा। सेवन नंबर तक हो गया सबका। कैन आई सी सम इमोजीज इफ यू आर नॉट स्पीकिंग? चलिए कोई बात नहीं, दो दो जन का हुआ बस। और बाकी दो चलिए, कौशल बन रहा है। वेस्ट गया, वेस्ट के राइट में तो नॉर्थ है, फिर राइट गया ईस्ट के तरफ, वेस्ट से राइट, राइट लिया फिर लेफ्ट, तो ईस्ट के लेफ्ट में तो नॉर्थ है, फिर वापस से लेफ्ट लिया तो वेस्ट आ गया, वापस से लेफ्ट लिया सर। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये राइट का है और लेफ्ट में यहां से यहां होगा। दिस इज राइट डायरेक्शन, दिस इज लेफ्ट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अगर ईस्ट से राइट ले रहा है तो साउथ आएगा, ईस्ट से लेफ्ट ले रहा है तो नॉर्थ आएगा। ये आप ऐसा बना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक एरो इधर बनाइए, एक एरो ऐसे बनाइए। अगर राइट जा रहा है तो ये फॉलो करना है, और अगर लेफ्ट जा रहा है तो ये फॉलो करना है।
आर वी डन टिल 13? किसका किसका हो गया 13 तक कमेंट करो। अंजलि हैज डन इट। लीजा, माधव, कौशल ब्रो, कहां तक हुआ कौशल? तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। देन टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर ये मेरा 3 किलोमीटर्स है तो 2 किलोमीटर का लाइन कम बनेगा। अगेन राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। नाउ सी, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट। तो दो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आप देखेंगे प्रॉब्लम 1 भी है और 1A भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉट इज द डिरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। तो ही इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। यस। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच डिरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आंसर होगा ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट ईस्ट के तरफ है, क्योंकि राइट मतलब क्या होता है, ईस्ट। क्लियर करिए प्रॉब्लम 1 एंड 1A। आई थिंक वी आर ओके विथ दिस। द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच दे मे आस्क, फाइन। सेकेंड प्रॉब्लम, राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स नॉर्थ। लेफ्ट लिया 2 किलोमीटर, वापस से लेफ्ट लिया 3 किलोमीटर। आई कैन से दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट। सो विच डिरेक्शन आई एम फेसिंग, आई एम फेसिंग साउथ। यस। एंड इन विच डिरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वेस्ट, दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ इट। क्लियर है 2 और 2A?
नेक्स्ट, राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स साउथ। साउथ के राइट मतलब क्लॉकवाइज, वेस्ट, वेस्ट का राइट मतलब नॉर्थ, तो कौन से डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है? नॉर्थ में। एंड इफ दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, तो टूवर्ड्स द लेफ्ट है मतलब वेस्ट। टूवर्ड्स द लेफ्ट है मतलब वेस्ट। आई गेस 3 एंड 3A इज ऑल्सो क्लियर। चलिए ट्राई करिए, 4 एंड 4A। सो वी कैन से क्वेश्चन टाइप वन इन विच डिरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग, एंड क्वेश्चन टाइप टू वेयर इज द पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इन विच डिरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फाइनल पॉइंट। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच डिरेक्शन इज द पर्सन्स बैक। तो इनिशियली ये चार्ट टाइप का प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ रहा है, जो पूछ सकता है कि मेरा फेस कहाँ है, मेरा बैक कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू 5, 5A। गो थ्रू करिए 5, 5A, 6, 6A, 7, 8।5, 5A, 6, 6A। आर वी ओके टिल 6A? अब प्रॉब्लम 7 इंटरेस्टिंग है। मैंने वेस्ट लिया, वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। नाउ दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माय एंडिंग पॉइंट।
तो अगर यहां पर ही मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, फाइनल पॉइंट इज टॉप लेफ्ट, यस और नो? जो फाइनल पॉइंट है वो टॉप लेफ्ट में है। तो अगर मेरे को इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 7 में मेरे को पूछेगा इन विच डिरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मेरा फर्स्ट आंसर क्या होगा? नॉर्थ, वेस्ट, क्लियर? स्टार मार्क दिस प्रॉब्लम। अगर ऑप्शन ही नहीं दिया है तो वेस्ट, अगर ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग अबाउट द डायग्राम ऑफ लाइंस। डिस्टेंस बहुत मैटर करेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का लाइन शुड बी सेम, अदरवाइज आपका स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट में डिफरेंस आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ द लाइन शुड बी directly proportional to the distance. Length of the line should be directly proportional to the distance. इसका मतलब क्लियर है ना आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो 3 किलोमीटर का लाइन आप बनाए हो तो 2 किलोमीटर उतना लंबा मत बना देना, उससे थोड़ा छोटा बनाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्केल पेंसिल लेके बनाओ, बट रफली अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर है, 1, 2, 3 किलोमीटर, क्लियर? यस, बोल ही नहीं रहे। तो दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके। ट्राई नंबर 9।
7, 8, 9 को स्टार कर लीजिए। 1 से लेकर के 6A तक, दैट वॉज वेरी बेसिक क्वेश्चन नंबर 1, 2। क्वेश्चन नंबर 6A वॉज वेरी बेसिक। नाउ फ्रॉम 7 नॉर्मल लेवल, नाउ फ्रॉम 7 नॉर्मल लेवल, कोई भी सम स्टार्ट करेगा। फाइव नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लेगा। इस क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, नया टाइप का प्रॉब्लम है ये। कभी देखे हो रिवर्स फ्लो? वीडियो वगैरह में दिखाता है, इंस्टा रील में रिवर्स, ये सम भी रिवर्स ऑर्डर में बनेगा। ये सम भी रिवर्स ऑर्डर में बनेगा। सर बोल रहा है जो घर है वो साउथ ईस्ट में है स्कूल से, तो साउथ और ईस्ट, तो अगर ये मेरा होम है, इफ दिस इज माई होम, माई स्कूल इज हेयर। क्लियर? साउथ ईस्ट, होम इज सिचुएटेड साउथ ईस्ट फ्रॉम स्कूल। तो अगर यहां घर है तो पहले वो 1 किलोमीटर घर से चलता होगा, राइट लेके घर आया मतलब लेफ्ट लेके स्कूल आएगा, हाँ या ना? यस और नो? अगर राइट लेने से घर आ रहा है, अगर राइट लेने से घर की गली आएगी तो लेफ्ट लेने से स्कूल, तो लेफ्ट लिया फिर राइट मतलब लेफ्ट, तो घर से मैं किस तरफ वॉक करना स्टार्ट किया? ईस्ट की तरफ।
आई स्टार्टेड वॉकिंग घर से ईस्ट के तरफ, और स्कूल से भी वो ईस्ट के तरफ वॉक कर रहा है, मतलब वेस्ट से ईस्ट के तरफ। इसका आंसर ईस्ट होगा। इसका आंसर ईस्ट होगा। वो आ रहा है वेस्ट से, जा रहा है ईस्ट में। इन विच डिरेक्शन डिड राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल? ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स, ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इलेवन वाला खुद से करिए। तीन किलोमीटर यहां गया, फिर दो, फिर तीन, तो इसका और इसका डिस्टेंस तो सेम होगा ना। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि लेंथ ऑफ द लाइन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो नाउ अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहां डिस्टेंस पूछ रहा है, डिरेक्शन नहीं। यहां डिस्टेंस पूछ रहा है, डिरेक्शन नहीं। नॉर्मल डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट, सीधा यहां से वहां हवा में। बट नॉर्मल डिस्टेंस में दाया बाया जहां से रास्ता होगा वहां से। तो अगर तुमको दिखा रहा है कैलकटा टू जयपुर 2000 किलोमीटर है रोडवेज, तो हो सकता है कि रेलवेज ऑब्लिक एयरवेज दोनों में डिस्टेंस अलग अलग दिखाएगा। हर ट्रांसपोर्ट मीडियम का अपना अपना डिस्टेंस होता है, हर ट्रांसपोर्ट मीडियम का अपना अपना डिस्टेंस होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाई रोड अगर 2000 किलोमीटर है तो बाई एयर भी 2000 किलोमीटर होगा। ये आपको मैं नॉर्मल नॉलेज के लिए लिखवा दिया। नॉर्मल डिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम एरियल डिस्टेंस। चलिए प्रॉब्लम नंबर 12 कंप्लीट करिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम अभी तक? किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम? कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम? फाइन,
ये तीन और ये तीन। डायग्राम ठीक से नहीं बनाएगा तो सम गलत हो जाएगा। डायग्राम ठीक से बनाओ। ट्वेल्व के बाद थर्टीन भी करिए। थर्टीन तक करके शो मी सम इमोजीज। थर्टीन नंबर तक कंप्लीट करिए। मैं 4 किलोमीटर वेस्ट आया, चार और चार, 8 किलोमीटर मैं वेस्ट से लेफ्ट मतलब साउथ आ गया। वेस्ट का लेफ्ट मतलब ईस्ट, सॉरी साउथ का लेफ्ट मतलब ईस्ट। ये चार है, ये आठ है, ये छह है। एंड अब मैं यहां से वेस्ट की तरफ जा रहा हूं 2 किलोमीटर। यहां से मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं 2 किलोमीटर। ना ध्यान से दीजिए, देखिए ये वाला चीज, 6 किलोमीटर वो लेफ्ट लेके चला, मतलब साउथ से जब आप लेफ्ट लेते हो तो यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड अगेन 2 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट, मतलब पीछे आया है वो 2 किलोमीटर पीछे आया है। मैं वेस्ट की तरफ गया, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया, मतलब आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, नाउ आई एम कमिंग 2 किलोमीटर वेस्ट, पता है आई एम कमिंग बैक। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक पैरेलल लाइन में आ गया, तो 8 किलोमीटर इज द आंसर। 8 किलोमीटर इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आई वॉक 6 किलोमीटर ईस्ट एंड देन आई ट्रेवल बैक 2 किलोमीटर वेस्ट। इसका मतलब पीछे आया है।
इससे क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में लाइन नहीं करेगा तो सर क्या होगा, डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक से, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम का झमेला होगा। इफ वी आर नॉट, इफ द फाइनल पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन, वी नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। देन पहले 6 किलोमीटर, फिर वापस आया 2 किलोमीटर। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 15 नंबर। दिस इज माई स्टेप वन, दिस इज माई स्टेप वन। अब उसके बाद क्या किया है, 6 किलोमीटर साउथ, दिस इज माई स्टेप टू, दिस इज माई स्टेप टू। एंड दिस इज माई स्टेप थ्री। नाउ वी ऑब्जर्व दैट एसपी एंड एफपी इज नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन, देयरफॉर वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो वैल्यू था वो था 10, इसका 6, इसका 3। तो हम लोग को तो सिर्फ ये दोनों चाहिए ना, हाँ या ना? क्या चाहिए आपको? इसका आंसर क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल्स टू रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैं बार बार बोलता हूं, कैलकुलेशन खुद से करो, डोंट ट्रस्ट, क्योंकि वो वापस 6 किलोमीटर आया तो इसका तो वैल्यू 6 किलोमीटर है ना, 4 थोड़ी है। कितना आ रहा है, 45 का रूट। फोर्टी फाइव किलोमीटर का रूट कितना आ रहा है, 4 कैसे होगा बाबू, चलो बताओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि हमको लगा हम लोग इधर आके इधर गए। नहीं 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 ठीक है, ये 4 किलोमीटर होगा। हम लोग ऐसे जा करके ऐसे आया ना, मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलती हो गया, तुम लोग बोला भी नहीं। और ये अगर स्टेप वन है तो
तो स्टेप टू ये होगा, दिस विल बी द स्टेप टू। नहीं, ठीक है ठीक है, नॉर्थ जाके साउथ आया है ना, तो ए विल बी रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किलोमीटर। यूनिट्स लिखना ना भूले, ठीक क्या होगा 5 किलोमीटर, यस और नो? क्लियर क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश स्टैंड्स ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर मैं अभी ऐसे देख रहा हूं और मैं उल्टा घूम जाऊं और मैं नॉर्थ की तरफ रखूं, ठीक है, सो जनरली एक आदमी ऐसा होता है, जनरली एक आदमी ऐसा होता है ना, हाँ या ना? आप क्या कर रहे हो? कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए मेरे को। इन विच डिरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट? नॉर्थ का लेफ्ट क्या है? नॉर्थ का लेफ्ट क्या है? ये अगर नॉर्थ है, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। बट ये तो घूम गया ना, तो ऐसा हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा, तो राइट वेस्ट होगा और साउथ में लेफ्ट वेस्ट ही रहेगा, राइट ईस्ट ही रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले दो एरो निकालिए, एक में लिख लीजिए फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ और एक में लिखेंगे फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। इसका लेफ्ट इज ईस्ट, राइट इज वेस्ट, इसका लेफ्ट इज वेस्ट, राइट इज ईस्ट। अभी आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, आपका फेस नॉर्थ की तरफ में है, लेफ्ट वेस्ट, राइट ईस्ट, बैक साउथ, हाँ या ना? यही तो होता है डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे घूम जाइए। अब मेरा राइट हैंड क्या हो जाएगा? नॉर्थ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपके घूमने से क्या घर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, होगा।
अगर आप अपना राइट हैंड ऐसे रख रहे हैं तो अभी भी नॉर्थ कहां दिखाएगा? नॉर्थ तो यही होगा, अभी भी नॉर्थ यही होगा। बस फर्क क्या है, अगर मैं ऐसे बैठा हूं माई फेस इज नॉर्थ, अगर मैं ऐसे बैठा हूं माई राइट इज नॉर्थ, अगर मैं ऐसे घूम जाऊं माई बैक इज नॉर्थ, और अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो माई लेफ्ट इज नॉर्थ। ठीक है, कंप्लीट टिल 23, यही होमवर्क है आपका। होमवर्क लिख लीजिए, कंप्लीट टिल पेज 2.9, कंप्लीट टिल पेज 2.9, प्रॉब्लम 23। कल हम लोग 24-25 से स्टार्ट करेंगे। इज दैट ओके? आपको दो तीन चीज करके आना है घर से। शैडो के बारे में नॉलेज लीजिए, इंसान का शैडो कहां फॉल करता है? सन का डायरेक्शन कैसे क्या होता है? राइजिंग का, सेटिंग का, मून का शैडो जरूर अच्छे से पढ़ के आइएगा आप लोग, कि इंसान का शैडो कहां फॉल करता है, कब, सुबह के वक्त, शाम के वक्त। ओके, चलिए, सी यू, टेक केयर।